ਚਾਚਾ ਪਾਲ ਲਿਆ ਸਭ ਬੜਾ ਵਡੇਰਾ ਸਭ ਬੜਾ ਵਡੇਰਾ ਆਵੋ ਜੀ ਸਭ ਲੋਕ ਲਗਾਇਆ ਆਵੋ ਜੀ ਠਾਕਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਆਵੋ ਜੀ राजस्थान केवल मरुभूमि और पथरीली जमीन के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। राजस्थान अपनी आन बान शान और शौर्य गाथाओं के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान रखता है। अब राजस्थान राज्य की धरती एक और नया अध्याय अपने ताज में जोड़ रही है। ये गाथा लिखी है प्रदेश के मेवाड़ अंचल के राजसमंद जिले की ग्राम पंचायत पिपलांत्री ने। पिपलांत्री का पर्यावरण महोत्सव 21वीं शताब्दी का वो आंदोलन है जो भारतवर्ष ही नहीं वरन विदेशों के लिए भी अनुकरणीय है। वो है बेटियों का मान वृक्षों का सम्मान। सामाजिक जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण को एक अनूठी मिसाल पिपलांत्री ने कायम की है। मैं आज पेड़ों पर राखी बांधकर इन पेड़ों को अपना भाई मानूंगी कभी भी इन पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी एवं इन पेड़ों के काटने में और काटने वालों को रोकने में सहयोग करूंगी साथ बचाने में सहयोग करूंगी पानी को व्यर्थ नहीं करूंगी। इस गांव में ग्रामवासियों और प्रवासी राजस्थानियों ने प्रेरणा पाकर सन 2006 में पर्यावरण महोत्सव मनाना शुरू किया और अब साल 2019 आते आते ये महोत्सव देश और विदेश के लिए कौतूहल का विषय बन चुका है। प्रकृति और मानवीय संतुलन को कायम रखने वाले इस पर्यावरण महोत्सव का मूल मंत्र है बेटी पानी पेड़ गोचर भूमि एवं वन्य जीवों को बचाकर प्राकृतिक आधारित रोजगार उपलब्ध करवाना। नीम पीपल बरगद आंवला शीशम और आम सहित हजारों की तादाद में यहां पौधे रोपे जाते हैं जिनका वृक्ष बनने तक ध्यान रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक मां अपने बच्चे का ख्याल रखती है परिवार अपने परिजनों का ध्यान रखते हैं। पौधों के वृक्ष बनने में लगने वाली प्रक्रिया और समय के साथ जो क्रियान्वयन विधि पिपलांत्री के बाशिंदों ने अपनाई वो अब जानी जाती है पिपलांत्री मॉडल के नाम से। तो आइए देखते समझते हैं और जानते हैं कि क्या है ये पिपलांत्री मॉडल जिसके कारण 5500 की आबादी वाला पिपलांत्री गांव वैश्विक पर्त पर अपनी अमिट छाप छोड़ चुका है। पिपलांत्री गांव में हर साल एक बेटी के नाम पर 111 पौधे रोपित किए जाते हैं तथा आपसी सहयोग से 21,000 रुपए की राशि का उस बेटी के नाम फिक्स डिपॉजिट करवाया जाता है। ग्रामवासियों की यही सोच सामाजिक व पर्यावरण क्रांति बनकर पिपलांत्री का नाम रोशन कर रही है। इसी सोच ने जन्म दिया है पिपलांत्री मॉडल को। साल दर पिपलांत्री मॉडल अपने नए आयाम स्थापित कर रहा है। 2019 के पिपलांत्री पर्यावरण महोत्सव में ग्राम पंचायत की 65 नवजात बच्चियों के नाम पर 111 पौधे रोपे गए यानी एक बेटी के नाम पर 111 पौधे। तो 65 बेटियों के लिए रोपे गए पौधों की संख्या हजारों में पहुंच जाती है। खास बात यह भी है कि जिस परिवार की बिटिया के नाम पर पौधे रोपे गए हैं वो परिवार
अन्य ग्रामवासियों और पंचायत की मदद से इन पौधों की देखभाल करते हैं और जब तक पौधे वृक्ष बनते हैं तब तक नई पौध तैयार हो चुकी होती है। पर्यावरण और पारिवारिक संतुलन के लिए पर्यावरण के महत्व के साथ ग्रामवासियों ने बच्चियों के सुखद और सुदृढ़ भविष्य के लिए प्रत्येक बच्चे के नाम पर 21,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना में करवाए हैं। इस अनुकरणीय पहल के साक्षी बने राजसमंद जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल। आइए जानते हैं इस बारे में जिला कलेक्टर क्या कहते हैं। बिल्कुल, आज सरकार की जो मंशा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर जो बेटी जो है वो समाज को आगे बढ़ा सकती है वो पिपलांत्री से ज़्यादा कहीं और उसका एक उदाहरण पिपलांत्री से अच्छा उदाहरण कोई नहीं है। पालीवाल जी वो एक पूरे देश के लिए एक मिसाल बन चुके हैं जहाँ पे पूरे वर्ष भर में जितनी भी बच्चियाँ होती हैं उनके जन्म को जो है एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आज उनकी माओं का भी सम्मान किया गया, उन बेटियों का सम्मान किया गया और उन्हीं के उस बेटी की जन्म की खुशी में आज हम वृक्षारोपण भी करेंगे। तो मुझे लगता है पिपलांत्री अब तो पूरे देश में नहीं पूरे विदेश में फेमस हो चुका है। आप यहाँ वो लोगों को देखो जहाँ पे आपका फॉरेन मीडिया के लोग हैं, फॉरेन NGOs के लोग हैं, तो हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है और हम आशा करते हैं और कोशिश करेंगे कि इस तरह का पिपलांत्री का मॉडल राजसमंद या फिर स्टेट के अन्य जिलों में भी अगर हो सके तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। किस तरह से जो है हम इसको एक टूरिज्म के रूप में ताकि लोग यहाँ पे आएँ तो टूरिज्म के साथ साथ यहाँ से प्रेरणा लेके जाएँ कि जो पर्यावरण की दृष्टि से जो काम यहाँ पर हुआ है आप देखोगे कि एक ड्राई एरिया माना जाता था पहले, पर अपने सरपंच साहब के उनके प्रयासों से आज ये बिल्कुल हरा भरा जंगल का रूप ले चुका है। तो आज इसको हम एज ए रूरल टूरिज्म के रूप में इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है और इससे पहले भी सरकार इस बारे में काफ़ी बार सोच चुकी है। पिपलांत्री की इस मुहिम को ताउम्र यादगार बनाए रखने के लिए इस महोत्सव में सहयोग देने के लिए दूसरे राज्यों में जा बसे प्रवासी राजस्थानी भी पीछे नहीं। आखिर हो भी क्यों ना, अपनी जड़ें आखिर आसानी से नहीं छूटती। पुण्य सभी बटोरना चाहते हैं, ये पुण्य भी ऐसा कि आने वाली पीढ़ियां अपने पूर्वजों को उनके किए गए काम के लिए हमेशा याद करती रहें। पिपलांत्री में हमारी मुलाकात ऐसे ही एक प्रवासी राजस्थानी देवीलाल मेहता से हुई। आइए सुनते हैं कि इस पर्यावरण महोत्सव व अनुकरणीय परंपरा का पालन करने में जुटे देवीलाल मेहता के विचार। आज पिपलांत्री ग्राम में पर्यावरण महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, बहुत दूर दूर से सब लोग आए हैं, हम भी बॉम्बे से सब परिवार आए हैं। ये पर्यावरण महोत्सव बहुत सबसे पहले पिपलांत्री से स्टार्ट हुआ है। श्याम सुंदर जी के नेतृत्व में गांव में जो भी बच्चियां जन्म लेती थी उनके ऊपर 111 पेड़ लगाए जाते थे और 21,000 रुपये उनके नाम की FD की जाती थी। सबसे पहले ये गांव में कुछ भी नहीं था, एकदम जंगल की तरह था और कुछ भी कर नहीं था। अपने पालीवाल साहब ने ये ग्राम को इतना विकसित कर दिया है कि आज दूर दूर विदेश से भी लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। आज ये एक जंगल पूरा दूसरे लोगों से नाजायज कब्जा था, श्याम सुंदर जी के नेतृत्व में उसको हटा के ऐसा प्रण दिया कि पूरे विश्व में इसका संदेश जा रहा है। आज जो भी गांव में लड़कियां गरीब लड़के कोई भी पैदा होती हैं उसके नाम से 21,000 रुपये जमा किए जाते हैं और उस जीवन के आगे रक्षा की जाती है और उसके बदले में 111 रुपये पेड़ लगाए जाते हैं। वो एक जो भी पेड़ लगते हैं उसकी रक्षा उसके लड़की के माँ बाप और श्याम सुंदर की टीम मिलकर करती हैं। वो इसके पूरा देश में ये संदेश जा रहा है कि लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में सबसे बड़ी योजना ये है। तो हम यही संदेश देना चाहें पूरा देश में इस तरह का वातावरण बनाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के साथ में झाड़ वृक्षारोपण से जोड़ा गया है। पिपलांत्री पर्यावरण महोत्सव महज एक औपचारिकता नहीं है, ये एक मुहिम के रूप में पिपलांत्री के रहवासियों की आदत और परंपरा बन चुका है। इस मुहिम को सफल बनाने जहां एक ओर ग्रामवासी अपने स्तर पर जुटे हैं तो वहीं ग्राम पंचायत के कर्मचारी भी पीछे नहीं। आशा सहयोगनी मीना दवे इस बारे में क्या कहती हैं? आइए उन्हीं से जानते हैं। ग्राम पंचायत पिपलांत्री में हमारे यहाँ बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाते हैं और उन बच्चों के नाम पर सब जितनी भी बच्चियाँ पैदा होती है उनके नाम पर 21,000 की FD का मतलब उनके नाम पर उनके जमा की जाती है और उनके माता पिताओं को यह समझाया जाता है कि कोई भी अपने यहाँ पे बेटी
बेटी को ये जन्म पर कोई अफसोस ना करे और अपने यहाँ जितनी भी बेटियाँ पैदा हो रही है आज उनके लिए हमारे यहाँ गांव में सब बेटियों के नाम पर 111 पौधे लगाए जा रहे हैं और मतलब बच्चियों की भ्रूण हत्या के बारे में उनको सबको समझाया जाता है कि कोई बेटी को बोझ ना समझे क्योंकि ये बेटियाँ हमारे देश का गौरव है। और आज हमारे इस गांव के इस हर प्रोग्राम में हमारे यहाँ रक्षाबंधन भी मनाया जाता है, वृक्षों को राखियाँ बांधी जाती है, वृक्ष लगाते हैं उनको अपने भाई के समान, हम उनको आदर सम्मान देते हैं और उनको वो बोलते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे, पेड़ नहीं काटेंगे, ना किसी को काटने देंगे और अधिक से अधिक पेड़ लगाने पर उनको उनके ऊपर जोर दिया जाता है कि हर बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाते हैं। ग्राम पंचायत पिपलांत्री को पिपलांत्री मॉडल और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एक विचार हुआ और प्रेरणा को अपने अंदर समेटकर आज के हरे भरे पिपलांत्री के पीछे ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल का अहम योगदान है। पालीवाल के एक सपने ने आकार लेते हुए आकाश को छू लिया है। पिपलांत्री पर्यावरण महोत्सव के बारे में श्याम सुंदर पालीवाल क्या कहते हैं, जानते हैं उन्हीं की जबानी। पिपलांत्री ग्राम पंचायत में दो दिवसीय पिपलांत्री पर्यावरण महोत्सव आयोजित किया जा रहा है जिसमें यहाँ की बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार देने का काम सरकार की विभिन्न योजनाएं एवं जन सहभागिता से किया जा रहा है। आज पिपलांत्री में लाखों पौधे पेड़ बन रहे हैं और पौधों को यहाँ की बेटियाँ राखी बांधकर अपने भाई की तरह पूज रही है। जो पेड़ काटे जाते थे वो आज पेड़ बचाए जा रहे हैं और पानी का महत्व, बेटी का महत्व लोग समझने लगे हैं। और ये काम पिपलांत्री में पिछले 2006 से आज तक अनवरत जारी है और यहाँ से पूरे देश में कई ग्राम पंचायतें प्रेरणा लेकर अपने अपने क्षेत्र में इस तरह का काम कर रही है। और ये समझ रहे हैं लोग कि बेटी बचाना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अगर मानव को बचाना है तो बेटी को बचाना पड़ेगा। पानी बचाना हमारे सामने आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और पेड़ों के कई महत्व को भी लोग समझने लगे हैं। इस तरह के काम पिपलांत्री में हो रहे हैं और यहाँ से प्रेरणा लेकर बहुत सारी ग्राम पंचायतों में लोग इस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। माना जाता है कि समाज में जो भी परिवर्तन या जागरूकता आंदोलन सफल हुए उसके पीछे उस आंदोलन की मूल भावना से जनता का सीधा जुड़ाव था। पिपलांत्री के इस पर्यावरण व सामाजिक अनुष्ठान की सफलता के पीछे वो सारे परिवार हैं जिनकी बेटियों के नाम से पौधे रोपे गए और बेटियों के भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक सहायता दी गई। यह आर्थिक सहायता और पौधारोपण सामाजिक जीवन में सहकारिता और सहयोग की अहमियत को दर्शाता है। मेरा नाम कामना जोशी है। 5 महीने पहले मेरे लड़की का जन्म हुआ है। मैंने 5 महीने पहले एक लड़की को जन्म दिया। आज मेरे पूरा गांव इस लड़की के जन्म पर इतना बड़ा महोत्सव कर रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। लड़कियों के जीवन के अच्छे जीवन के लिए उन्होंने कम से कम पूरे पंचायत ने 21,000 रुपये दिए हैं। मैं जैसा मेरे से हो सकेगा मैं भी उसमें अपना योगदान दूंगी और मेरे बेटी के अच्छे फ्यूचर के लिए, मैं अपने आगे बढ़ाने के लिए मैं भी सहयोग करूंगी अपने गांव का। और मेरे गांव ने इसके लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये मेरे लिए। इनका लालन पालन जैसे कि हर एक दिन थोड़ा थोड़ा पानी करके, थोड़ी थोड़ी बूंदों से छिटकार करके इन्हें बढ़ावा करेंगे जिससे इनके पेड़ पौधे होंगे। हमारा गांव निर्मल ग्राम है, ये ग्राम भी हरियाली के लिए ही जाना जाता है। ये पूरे देश में एक हरियाली के लिए और बेटियों के लिए ही ये गांव महत्वपूर्ण है। पिपलांत्री का ये पर्यावरण महोत्सव दूसरी ग्राम पंचायतों के लिए अनुकरणीय है तो वहीं इस मॉडल की सफलता को देखते हुए शोधार्थियों की रुचि भी इस मॉडल में जागी है। मैं हर्षप्रभा पालीवाल अभी PhD कर रही हूँ और मैंने इस गांव को चुना है मेरी रिसर्च एरिया के लिए। यहाँ से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिला, प्लस मैं यहाँ पे बेटियों के लिए सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज़ करवाती हूँ जिससे उनका मेंटल डेवलपमेंट हो, लाइक सेफ एंड हैप्पी पीरियड्स वाला सेमिनार लास्ट टाइम हमने करवाया था, और प्लस उनकी जो एजुकेशन लेवल है वो भी इम्प्रूव हो, इसलिए मैंने अपने रिसर्च एरिया में इसको चुना है। और यहाँ से जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे यहाँ से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, प्लस गर्ल्स के लिए कि वो भी बहुत आगे बढ़ें और बहुत तरक्की करें। कहते हैं परंपराएं वही अनुकरणीय होती हैं जिन्हें तार्किक स्वरूप देते हुए, सामाजिक मान्यता प्रदान करते हुए अटूट श्रद्धा के साथ जोड़ दिया जाए। ऐसा ही कुछ देखने को मिला पिपलांत्री में, जहां वृक्षों को राखी बांधकर
उनकी रक्षा का प्रण लिया पिपलांत्री की महिलाओं और युवतियों ने। आइए जानते हैं इस बारे में वहाँ की महिलाएं व युवतियाँ क्या कहती हैं। वृक्ष हमारे सच्चे रक्षक है, जिस तरह ये हमें हवा वायु और ऑक्सीजन वगैरह प्रदान करते हैं, ये मानव जाति का ध्यान रख रहे हैं। इस पावन अवसर पर, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर, जिस तरह बहनें अपनी भाइयों को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और बहनें और भाइयों उनकी ध्यान रखने का शपथ लेते हैं, उसी तरह हम भी इनको राखी बांधकर, इन पेड़ पौधों को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की शपथ ले रहे हैं। यही है असली सोना, इसे कभी मत खोना। ये पर्यावरण महोत्सव महज पौधारोपण और बेटियों को सुरक्षित करने तक ही सीमित नहीं है। यहाँ बाकायदा युवाओं को, खासकर पुरुषों को, शपथ दिलवाकर पर्यावरण संरक्षण और बेटियों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध किया जाता है और रक्तदान के लिए भी प्रेरित किया जाता है, जिससे रक्तदान को लेकर भ्रांतियां व विसंगतियां दूर हों और युवा रक्तदान के लिए आगे बढ़ें। पर्यावरण दिवस पर सबसे पहले तो सभी युवाओं का धन्यवाद जो कि इतने बढ़ चढ़ के रक्तदान में हिस्सा ले रहे हैं, और ये अच्छा मौका है कि इस मौके पे सभी रक्तदान कर रहे हैं। यहाँ पे जो सरपंच साहब हैं विकलांत्री के, वो ऑक्सीजन का दान करवा रहे हैं और यहाँ के युवा जो है रक्तदान कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और युवाओं को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो गांव के होके भी बढ़ चढ़ के इस चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आगे भी अच्छी तरह गांव के अंदर अच्छे कैंप रखें ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको रक्त की पूर्ति हो सके और जीवनदान मिल सके। क्योंकि किसी के भी ज़िंदगी में काम आएगा, इसलिए अपने रक्तदान किया है। आप रक्तदान कब से कर रहे हैं? नहीं, पहली बार ही किया मैं। लोगों को और जागरूक करना चाहते हैं इससे, भाई आप भी रक्तदान करो, किसी दूसरों की जिंदगी बचे, इसलिए हमने रक्तदान किया है। पिपलांत्री के इस पर्यावरण महोत्सव को देखने, सुनने और समझने के बाद सहसा याद आती है स्वच्छ भारत मिशन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहल देश भर में अपनी छाप छोड़ चुकी है। पिपलांत्री के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। हमारे यहाँ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पिपलांत्री में स्वच्छता के महत्व के बारे में बच्चों को बताया जाता है, समझाया जाता है, ठीक है, और जिसका लगातार धीरे धीरे बच्चों पर असर भी हो रहा है ये, और ये हमें दिखने में आ रहा है। और बच्चे साफ सुथरे स्वच्छ आते हैं, घर में, शाला में, गली मोहल्ले में स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, और स्कूल में भी हमने स्वच्छता के लिए कक्षाओं में कचरा पात्र की व्यवस्था की गई है, और ग्राउंड में भी बाहर अलग से कचरा पात्र की व्यवस्था है जिसको हमें समय समय पर जला दिया जाता है। मिड डे मील में भी हमारे यहाँ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, ताकि इस स्वच्छ भारत मिशन जो गांधी जयंती पर भारत सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था उसमें हम कामयाबी हासिल कर सकें और हमारी शाला भी उसमें सहयोग दे सके। और बच्चों से भी हम पूरा निवेदन करते हैं और बच्चों ने पूरा सहयोग भी किया इस स्वच्छता में, पूर्ण रूप से हम कामयाब हो रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब करने में। हम स्कूल में आते हैं तभी साफ सफाई से रहते हैं, साफ कपड़े पहन के आते हैं, और जब शौच करने जाते हैं तब भी हाथ धो के जाते हैं और आकर हाथ धोते हैं, जब खाना खाते हैं तब भी हाथ धोते हैं, और हमारे गली मोहल्ले मोहल्लों में हम साफ सफाई रखते हैं, और हमारे स्कूल में भी हम साफ सफाई रखते हैं। हम कक्षा में कचरा नहीं फैलाते हैं, उसी कचरे को हम कचरा पात्र में डालते हैं, और हम क्लास में और स्कूल में कचरा भी नहीं फैलाते और कचरा हम डस्टबिन में डालते हैं, और हमारे घर में और गली मोहल्ले में भी साफ सफाई रखते हैं और हम गंदगी नहीं फैलाते हैं। छोटे बच्चे, उनमें पनपती अच्छी आदतें, खुशहाल समाज और परिवार के हंसते मुस्कुराते चेहरे, इन सब के लिए अथक प्रयास करने होते हैं। ये किसी एक अकेले का काम नहीं, सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। देश को खुशहाल बनाने के लिए, पिपलांत्री जैसा हरा भरा रखने के लिए सभी को याद रखना होगा कि पर्यावरण और सामाजिक संतुलन ठीक है तो सब कुछ ठीक है। ओ पधारो